ये देखिए किसान भाइयों, ये है गाजर पूसा अस्ता। ये जो आप देख रहे हो गाजर का पौधा भी आप देखिए काफी जानदार है। और ये है गाजर पूसा रोधरा। ये देखिए इसका भी पौधा देख लीजिए आप। और ये गाजर काफी छोटी है। ये है पूसा यमदाग्नि। ये देखिए इस गाजर और इस गाजर में काफी अंतर है। और ये है गाजर नेंटिस जो आप देख पा रहे हो। ये लाइन है पूसा नयन ज्योति। ये देखिए ये है पूसा चुकंदर मिड रूट। और ये है शलजम। ये देखिए मूली पूसा हिमानी। और ये है पत्ता सलाद। ये है सलाद पूसा हरित बैगनी। और ये है गोभी। देखते हैं कौन सी गोभी। गांठ गोभी है पूसा ब्राट। ये देखिए ये होती है भैया नीचे से गांठ गोभी। और ये भी है गांठ गोभी व्हाइट वियाना। ये देखिए। और ये है फूल गोभी है। ये देखिए ओ बड़ी तगड़ी गोभी है भैया फूल गोभी पूसा स्नोवाल KT1। और देखिए इसमें फूल बहुत तगड़ा भाई। इसका फूल भी आप देख सकते हो बहुत तगड़ा फूल है। बहुत 1.5 किलो का बैठेगा वो वाला तो है। 2 किलो का बैठेगा कम से कम भाई बहुत तगड़ा है। और ये गोभी कौन सी है भैया फूल गोभी है पूसा स्नोवाल KT25। ये देखिए बहुत जानदार फूल है इसका एकदम बहुत बेहतरीन। रोपाई की तिथि है 12/12/2022 को बोई गई थी। और ये पत्ता गोभी है 12/12/2022 बंद गोभी पूसा शंकर 81। ये देखिए। और ये है पत्ता गोभी कौन सी है पूसा हाईब्रिड 1 12/12/2022 को रोपी गई थी। और आप देख सकते हो। और मैं भी आपको और दिखाता हूँ। ये कौन सा भैया पूसा रेड कैबेज शंकर 1। लेकिन इसका जो फूल है वो बहुत तगड़ा फूल है। ये कम से कम बैठेगा भाई 2-2.5 किलो का। कम से कम कह रहा हूँ मैं 2-2.5 किलो का बैठेगा। बहुत तगड़ा है बहुत तगड़ा फूल है ये रेड कैबेज जो आपको दिख रहा है यहाँ लिख रहा है ना बहुत तगड़ा है। और ये क्या है ये क्या है अभी देखते हैं। ये है ब्रुसेल्स स्प्राउट। स्प्राउट किस्म है इसकी ब्रुसेल्स स्प्राउट है। ये इसकी है किस्म है हिल्डस आइडल। इसमें इस तरह के आते हैं स्प्राउट आते हैं जैसे आप देख रही हो ये जगह जगह स्प्राउट आते हैं। और ये आप देख सकते हो पूसा की वैरायटी है। और ये है पूसा का चप्पन कद्दू। पूसा का चप्पन कद्दू है। ये देखिए इस तरह का ये कद्दू आपको दिख जाएगा। ये देखिए पूसा का चप्पन कद्दू ठीक है। और ये है किसान भाइयों चप्पन कद्दू पूसा पसंद। इस वैरायटी का नाम है पूसा पसंद। इसमें जो कद्दू है वो इस तरह का जो आप देख पा रही हो इस तरह का है। और दिखाऊं मैं आपको इस तरह का है पूसा का चप्पन कद्दू। और दिखाऊं ये देखिए इस वैरायटी का नाम है पूसा पसंद। और ये है तुम्हारी प्याज। ये है बंचिंग प्याज पूसा सौम्या 2/11/2022 को इसकी। ये देखिए और ये प्याज थोड़ा धूप की वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। प्याज बीज है बीज उत्पादन किस्म पूसा सोना।
बीज उत्पादन के लिए है शायद ये पूसा सोना। और ये किस्म है बी प्याज बीज उत्पादन किस्म पूसा सोना, ये भी है पूसा भैया सोना। और ये है पूसा रिद्धि जो आप देख रहे हो, ये पूसा रिद्धि प्याज है। यह है प्याज पूसा माधवी 19/12/2022 को रुपाई हुई थी इसकी। और यह है पूसा शोभा, यह है पूसा माधवी, यह शोभा। इसमें वैसे दोनों ही एक सी लग रही हैं, कोई ज़्यादा पहचान नहीं कर सकते हो आप, वो बाद में मालूम पड़ेगी। और ये है सैलरी यानी फोर्ड हुक एम्परर, ये देखिए। अब पता नहीं भाई ये कौन सी सब्जी है, हमें तो नहीं पता इसके बारे में। ये सैलरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा नई विदेशी, ये जो है ना विदेशी सब्जियां हैं। पार्सले, ये मॉस कर्ल्ड, ये देखिए, ये सब विदेशी सब्जियां जो आप देख पा रहे हो ये, लेकिन मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती हैं। और ये है लीक, ये देखिए कुछ प्याज की तरह लगती है लेकिन इसकी जो पत्ती है ये लगती है आपको जैसे वो होती है तुम्हारी एक। ये है केल, पूसा केल 64। भाई ये किस काम में आ रही है पूसा केल, और ये भाई नई चीज़ें हैं ये सब। और ये है बांकला पूसा सुमित, ये है बांकला पूसा सुमित, इसका थोड़ा गहरा रंग हरा है, इसका हरा गहरा रंग है। ये है बांकला पूसा उदित, उदित का थोड़ा गहरा रंग है, इसका थोड़ा हल्का गहरा रंग है, आप देख पा रही हो अंतर दिख जाएगा आपको। और ये है मेथी, देखे शायद ये है मेथी, कस्तूरी मेथी है भैया ये जो आप देख रहे हो, ये है कस्तूरी मेथी, ये कस्तूरी मेथी है भाई, पूसा कस्तूरी मेथी है 27/12/2022 को। और ये मेथी है शायद बीज बारी दिखा, पूसा अर्ली बंचिंग, ये अर्ली बंचिंग है पूसा की, पूसा मेथी है अर्ली बंचिंग, ये देखिए इस पर फूल भी आ रहा है। और ये है पालक पूसा भारती 27/12/2022 को, ये पालक है भैया, काफ़ी अच्छा पालक है, एकदम मस्त है, बहुत मुलायम है और पत्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये बथुआ, लाल रंग का बथुआ, पूसा बथुआ 1, इसकी ये जो कलियाँ है ये रेड है हल्की सी। ठीक है, और एक ये बथुआ, ये है ये ग्रीन बथुआ भैया, पूसा बथुआ ग्रीन, अभी तक भी फूल ना आ रहा। ये लगभग हाइट इसकी कितनी होगी, ये 2.5-3 फुट होगी, 3 फुट है वो रेड वाला, ये वो है। तो भैया ये तो इधर स्टॉल लगी हुई है, अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ तक की वीडियो बस यहीं समाप्त है, अगली वीडियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा।